नमस्कार, मैं हूं तुषार उप्रेती। ये है क्रिकेट वाली बात। तो 2022 का T20 विश्व कप भारत ने अपने नाम किया है। ऐसा हमको लगता था कि शायद हम मुझे बोलने का अवसर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। और अगर हमने अपने नाम किया है तो वो एक ही चीज जो पिछले विश्व कप से इस विश्व कप के बीच में नहीं बदली है, वो है लगातार ICC ट्रॉफीज हारने का जो सिलसिला है वो नहीं बदला है। कौन सा प्लेयर जिम्मेदार है, कौन सा प्लेयर जिम्मेदार नहीं है, कौन सा कप्तान बदला जाए, कौन सा कप्तान नहीं बदला जाए, विराट कोहली को बदल के आया रोहित शर्मा, लेकिन टीम की किस्मत बिल्कुल नहीं बदली है। बायलैटरल सीरीज में अपने आप को शेर कहलाने वाली या सूर्य कुमार यादव को नंबर एक के T20 बल्लेबाज के पायदान पर देखकर खुश होने वाले, उछलने वाले उन तमाम लोगों के लिए आज सपने पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। जो लोग पाकिस्तान को धूल चटाकर एक लीग मैच में, मैं लीग मैच ही कहूंगा क्योंकि शुरुआत थी वहां से टूर्नामेंट की, धूल चटाकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि फाइनल होगा भारत बनाम पाकिस्तान, तो सच में भारतीय क्रिकेट टीम की औकात उसको इंग्लैंड ने दिखा दिया। एक भी विकेट हमारे गेंदबाज नहीं ले पाए, ना अर्शदीप की गेंदबाजी चली, ना भुवनेश्वर कुमार को जुखाड़ पाए, ना ही मोहम्मद शमी, और ऐसा लग रहा था हर किसी ने छोड़ दी है पूरी कमी। तो किसी भी तरह से कोई गेंदबाज नहीं चला। रही बात बल्लेबाजों की, तो बल्लेबाजों में द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल बिग और स्मॉल मैचेस मेरे हिसाब से KL राहुल, जो बड़े मैचेस में तो चलते ही नहीं है और छोटे मैचेस में ऐसा चलते हैं कि भैया उनसे बड़ा कोई बल्लेबाज ही नहीं है। उन्होंने अपनी भद पिटवाली और पूरी तरह से इस मैच में भी महज 5 रन पे, जो कि एक कमेंटेटर भी कह रहे थे और बता रहे थे कि जो वो जो कॉस्को की गेंदे होती थी ना, उसका जो बाउंस था टेनिस बॉल बाउंस, वैसी गेंद पे आउट होके वापस चले गए। रोहित शर्मा पूरे टूर्नामेंट में पूरी तरह से फ्लॉप रहे और बागडोर एक बार फिर से आई विराट कोहली और हार्दिक पंड्या के हाथ में। नहीं मिला मौका इस बार भी खेलने का दिनेश कार्तिक को, उनकी किस्मत में वर्ल्ड कप जीतना तो दूर। मेरे को लगता है अब तो भारतीय टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती है, और उनकी जगह पे आया ऋषभ पंत जो कुछ नहीं कर पाए, रनआउट होके वापस गए, हालांकि उन्होंने अपना विकेट सेक्रीफाइस किया था। तो हार्दिक पंड्या की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत 168 रनों पर पहुंचा था भारत, लेकिन इस किस्म की हार और इस किस्म की बॉलिंग की जो पिटाई हुई है आज, तो इंग्लैंड ने बताया कि टेम्पलेट जो है वो ऐसा होना चाहिए T20 खेलने का। पहले 6 ओवर में भारतीय टीम से बल्लेबाजी नहीं हो रही थी। रोहित शर्मा के तो बल्ले पे ठीक से गेंद तक नहीं लग रही थी। मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी होते थे रोहित शर्मा, लेकिन आई एम सॉरी टू से भैया, अब अगर कप्तान बदलने की बात आए तो किसको बदलेंगे? मेरे को लगता है हार्दिक पंड्या को भी ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि जो उम्मीद और जितनी गालियां लोगों ने विराट कोहली को दी थी, तो एक साल में रोहित शर्मा भी कुछ बतौर कप्तान खास तो कर नहीं पाए। बायलैटरल सीरीज में अपने आप को शेर कहलाने वाली और इसके बाद न्यूजीलैंड चाल के खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम, जो आगे भी शेकी मारेंगे लोग कि अरे हम तो नंबर वन है, और सबसे महंगा हमारा बोर्ड, जिसके बोर्ड में भी अभी पीछे इलेक्शंस हुए थे और सौरभ गांगुली की जगह दूसरे महाशय आके गद्दी में बैठे थे, तो कभी सेलेक्टर्स, कभी कोच, और बतौर कोच मुझे लगता है राहुल द्रविड़ पर भी बहुत बड़ा सवाल है। आप बहुत ही बढ़िया जेंटलमैन खिलाड़ी रहे हैं, जेंटलमैन व्यक्ति रहे हैं, लेकिन आपका प्रभाव टीम पे बहुत ज्यादा नहीं दिखता, तो मुझे लगता है आपको भी जाने की जरूरत है इस टीम से। रिटायरमेंट की या इस्तीफे की जो जरूरत है, वो कोच का भी इस्तीफा मांग लेना चाहिए हमको। तो इस मैच ने पूरी तरह से निराश किया, एक भी विकेट नहीं। अक्षर पटेल पूरे टूर्नामेंट में भैया क्यों खिला रहे हो उसको, जिस खिलाड़ी को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा है। हम किसी की भी प्रतिभा पर संशय नहीं करते हैं, लेकिन आपके पास स्टॉक में बहुत सा ऐसा माल था जो पड़े पड़े सड़ गया, जैसे कि फिरकी गेंदबाज युजवेंद्र चहल, बल्लेबाज आप जानते हैं श्रेयस अय्यर, और भी न जाने कौन कौन। तो पूरी तरह से कंफ्यूज भारतीय टीम, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार है। मुझे ऐसा लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद से ICC टूर्नामेंट कैसे जीतते हैं ये किसी को नहीं पता है। तो ये है क्रिकेट वाली बात। मैं हूं तुषार उप्रेती। मैं देखते देखते ना बीच में मैं सो गया था। धन्यवाद।